तुम लोगों के नाम, दंगे के समय तुम्हारे साथ कौन कौन था, तुम लोग कहां से आए हो, जिसने बुलाया उन्हें पहचानते हो, बताओ। ए, कुछ पूछ रहा हूं, जवाब क्यों नहीं देते, जल्दी बताओ। हम लोग जो बोल रहे हैं वो किसी के सुनने में नहीं आ रहा, तो हम आपके सवाल का जवाब क्यों दे। बहुत बार हम कितने लोगों से बोल चुके हैं। बार बार बोलने के लिए ये कोई स्कूल की पोयम नहीं है, ये हमारी लाइफ है। हमारे चार साथियों को खोकर बैठे हैं हम। अब हमारे बोलने पर उन चारों को वापस लाओगे क्या? आपके डिपार्टमेंट को नहीं पता क्या दंगा किसने करवाया है और क्यों? हम गवाही देने गए थे तो हमें भी अरेस्ट कर लिया सर। अभी हमारे बोलने पर आप भी वही करने वाले हो, कर लो सर। सर जी, के डिपार्टमेंट से जो नहीं होगा ना वो हम करके दिखाएंगे। चुप रहो, जो हमारे डिपार्टमेंट से नहीं हो सकता वो तुम लोग करोगे, बहुत बड़े हो गए हो। अभी तुम लोगों ने जो बातें की हैं उनके आधार पर केस बनाकर अंदर कर सकता हूं तुम्हें, लेकिन मैं उन पुलिस ऑफिसर्स में से नहीं हूं जो लोग तुम्हारा दर्द नहीं समझ सकते। मरने वालों के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था और तुम लोगों ने यह सब दोस्ती की खातिर किया है, यह मैं पहले ही पता कर चुका था। तुम्हारे दोस्तों के बारे में भी मैंने पता कर लिया था, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, दोस्त समझ सकते हो। अभी मैं तुम लोगों को जेल से बाहर निकालकर इंक्वायरी कर रहा हूं, इस बात को लेकर अपने मन में कोई गलत फहमी मत रखना। चंद करप्ट पुलिस ऑफिसर्स को देखकर डिपार्टमेंट के सभी लोगों को गलत समझना अच्छी बात नहीं है। हमारे बीच कुछ अच्छे लोग भी हैं और कुछ बुरे भी। इसके बाद भी अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो बताता हूं सर। हम शक्ति इंजीनियरिंग कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं सर। इसका बाइक एक्सीडेंट हो गया था, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर हम घर ही जा रहे थे तभी हम दंगे फसाद में फंस गए। वहां से हम निकल नहीं पाए, तभी मेरे आंखों के सामने मेरे दोस्तों को जिंदा जला दिया। ये सब हुआ था। ये उसकी माँ है जो दंगे में मर गई। ये ऑफिसर यहाँ उस केस की इंक्वायरी के लिए आए हैं। अरे साहब जी, साहब जी मैं क्या करूं? साहब जी एक ही लड़की थी मेरी, मेरी एक ही बेटी थी, पूरी तरह मार दिया उसको। मेरा कोक जल रहा है साहब जी। साहब जी मेरी लड़की तो मर गई, मेरा कोक तो उजड़ गया, लेकिन उसको फांसी जरूर दिलवाई है। जरूर दिलवाऊंगा। मैं बसंती की बहन हूँ, वो हमारे घर की सबसे छोटी बेटी थी, सबके साथ मिलजुल के रहती थी, हम सबके लिए बहुत प्यारी थी, हम सबको पसंद करती थी और हम लोग भी उसे, उसकी वजह से घर में खुशियां ही खुशियां थी। हम ही वो नहीं रहे तो पूरा घर शमशान हो गया। भगवान। सर मैं गुरु सहाय, शक्ति इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रिंसिपल। अच्छा सर, आपके कॉलेज में 3 स्टूडेंट्स की मौत हुई और वो सबके सब गोल्ड मेडलिस्ट थे, आपने इसके लिए कोई एक्शन क्यों नहीं लिया सर? लिया था ना सर, ये देखिए कौन कौन से डिपार्टमेंट में कंप्लेंट देनी थी उन सब डिपार्टमेंट्स में दे दी, जिस जिसको दिखाना था सबको दिखा दिया। पर क्या फायदा हुआ सर, हमारे स्टूडेंट्स ने हड़ताल नहीं की होती तो गवर्नमेंट ने इंक्वायरी कमिश्नर अपॉइंट नहीं किया होता और ना ही आप यहां आते। आपके बारे में मुझे बहुत जानकारी है सर, हम लोगों के कष्ट का अंत हो जाएगा, उन लोगों को जरूर सजा मिलनी चाहिए सर। जहां आप चाहेंगे वहां मैं इंक्वायरी के लिए आऊंगा। आप कितने सालों से मदुरई में इंस्पेक्टर हैं? 10 साल से सर। 10 साल से। जो दंगा हुआ था उस एरिया के इंचार्ज आप ही हैं ना? जी सर। दंगे की जगह और पुलिस स्टेशन के बीच कितनी दूरी है? 2 किलोमीटर सर। तो सिर्फ 2 किलोमीटर? जी सर। आप कहते हैं सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है और फिर भी दंगे की जगह पे कोई पुलिस वाला नहीं पहुंचा? ऐसा नहीं है सर, खबर मिलते ही हम स्पॉट पे पहुंच गए थे सर, हमारे पहले सब खत्म हो चुका था सर, तो इसके लिए हम क्या कर सकते थे। अब कोई घटना होने वाली है ये बात तो हमें पता नहीं चलती, अब इसके लिए पुलिस वाले काला जादू थोड़े करेंगे सर, डिपार्टमेंट में जादूगर भर्ती करने पड़ेंगे। ए, पहले कैप पहनो सर। जिस समय दंगा चल रहा था उस समय पुलिस स्टेशन पर 120 कॉल आए थे स्पॉट से, पूरे 120 कॉल आए थे जो तुमने अटेंड नहीं की। जिस समय उन लोगों ने फोन किया था उस समय कितने टेंशन में रहे होंगे, उन्होंने किसी दोस्त को या फैमिली को फोन नहीं किया, पुलिस वालों को फोन किया उन्होंने। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा था कि पुलिस उन्हें बचा लेगी। सबका भरोसा तोड़ दिया। तुम लोग ऐसा करोगे तो ये जनता कहां जाएगी? सुनो,
दंगे के बाद पहले दिन जिन गुंडों को अरेस्ट किया गया था उनकी लिस्ट, और जो गुंडे बाहर से आकर यहाँ ठहरे थे उनकी भी पूरी लिस्ट, और वो लोग किस किस जगह पर ठहरे थे इसकी भी पूरी डिटेल मुझे चाहिए, वो भी फौरन। सर, और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो दंगे में मारे गए लोगों की लिस्ट में तुम्हारा भी नाम शामिल हो जाएगा। आओ आओ विजय कुमार, मुझे पता था कि तुम आज मेरे बारे में इंक्वायरी करने आने वाले हो, इसीलिए मैं कहीं नहीं गया। मेरे बारे में इंक्वायरी तुम जैसा ही कोई कर सकता है। मेरे आदमियों ने मुझे बताया कि तुमने कई सूरमाओं को धूल चटा दिया। अब तुमने इतना किया तो मेरी हस्ती क्या है इस बारे में तुम्हें जानना चाहिए ना। इलेक्शन में मेरे खिलाफ खड़ा होकर जीत गया, उसे बीच रास्ते में बोटी बोटी कर दिया। पता है क्यों? मेरा पावर क्या है ये उसे पता नहीं था। तेरे लोगों ने मुझे अरेस्ट किया, इसीलिए अपने आदमियों से मैंने पूरे शहर में दंगा फसाद करवाया। इस दंगे में बहुत से लोग मारे गए मेरी वजह से। एक चीज समझ लो विजय कुमार, इसकी शुरुआत भी मैंने की है और इसे खत्म भी मैं ही करूंगा। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं सर? मैं तो यहाँ पर इंक्वायरी करने के लिए आया ही नहीं था। हा? मतलब तू अपनी पार्टी का है? अरे तो पहले बता देता, इतना घुमाने फिराने की क्या जरूरत थी? पहले ही बोल देते तो आप जो अमाउंट देते उसे लेकर जाना पड़ता। हाँ, लेकिन अब तो पूरे सबूत मेरे पास है, इसलिए जितने चाहूंगा उतने लेकर जाऊंगा। इसीलिए मनी कलेक्शन में तुम मेरे से भी बड़े खिलाड़ी हो। बोलो तुम्हारी डील क्या है? पूरे वंसी। एविरा जाके फटाफट लेके आ भाई, अभी लेकर आ जाएगा। ऊपर वाले से हम डील कर सकते हैं, लेकिन रवि भूषण से डील करना थोड़ा मुश्किल है। उसके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। अभी तो हम मिले हैं, आगे आगे सब समझ में आ जाएगा भाई। हाँ, ये लो। थैंक यू वेरी मच सर। चलता हूं। हाँ भाई, इसने 1 करोड़ मांगे और आपने इतनी आसानी से दे भी दिया। समझ में नहीं आ रहा है ना, कल सुबह का पेपर देखना तब तुझे पता चलेगा। विजय कुमार ने रिश्वत ली भाई। विजय कुमार ने कल आपसे पैसे लिए थे ना, वो आज के पेपर में विस्तार से छपा हुआ है भाई। ए विजय कुमार को फोन लगा। लगाता हूँ भाई, चल जल्दी लगा। बोलो रवि भूषण। विजय कुमार, पेपर देखा क्या? रवि भूषण से रिश्वत खाई इंक्वायरी कमिश्नर विजय कुमार ने। पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा कारनामा आ गया ना। रवि भूषण से दुश्मनी पालना कितना महंगा पड़ सकता है, आखिरकार समझ में आ गया ना। रवि भूषण, तू बार बार अपने बेवकूफ होने के सबूत दे रहा है। जब तुझ जैसा अनपढ़ इतना सोच सकता है तो सोचो कि मुझ जैसा पढ़ा लिखा कितना सोचेगा। वैसे तो एकाध पढ़े लिखे को साथ में रख ले, मुझ जैसे दुश्मन से निपटने के लिए कम से कम कुछ तो कर पाता। ए, उस न्यूज में जो बॉडी है वो तेरी है और उसके अंदर जो दिमाग है वो मेरा है। अच्छी तरह से पढ़ के देख। ए वीरा, जरा फिर से पढ़। जी जी भाई। मदुरई शहर में जो दंगा हुआ उसमें मारे गए सभी लोगों की मदद करने के लिए विजय कुमार सामने आया। अगर पॉलिटिशियन के हाथों पैसे भिजवाते तो वो दंगा पीड़ितों में से किसी को नहीं मिल पाते, इसीलिए विजय कुमार ने ये काम अपने हाथों में लेकर कमिश्नर की मदद से दंगा पीड़ितों की सहायता करने के लिए आगे आए, यही लिखा है भाई। मिनिस्टर को फोन लगा। लीजिए भाई। हेलो। हाँ भाई, बोलिए भाई। अरे वो विजय कुमार हम सब के पीछे पड़ा हुआ है, हम सब अंदर हो जाएंगे तब तेरे कान में जूरेगी क्या? अरे लानत है तुझ पर। भाई खत्म कर दो, इस केस का कोई गवाह नहीं है, ऐसा कोर्ट में बोलकर केस को खत्म कर दो। मेरी बात को समझ रहे हो ना? ये स्टूडेंट्स की परेशानी से मैंने इंक्वायरी कमिश्नर अपॉइंट किया। ये सब तो मुझे करना ही पड़ता था भाई, तुम समझ सकते हो। अभी तू क्या करेगा कैसे करेगा, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, बस इंक्वायरी क्लोज होनी चाहिए। आओ विजय कुमार। क्या बात है सर, आपने इतना अर्जेंट बुलाया? मैंने जो मदुरई के दंगा फसाद की इंक्वायरी के लिए बोला था उसे बंद कर दो। अरे रे रे, उसे तो मैंने खत्म कर दिया सर। खत्म कर दिया? जैसे बच्चे होमवर्क खत्म कर देते हैं वैसे ही तू आके मुझे बता रहा है। अरे भाई, ये इंक्वायरी कमीशन है,
जब तक ये लोग सत्ता में हैं, तब तक इन लोगों के किए हुए कारनामे सारे लोगों के दिमाग में है। पर तूने क्या यार, चार ही दिन में खत्म कर दिया। बस कर, अब खत्म कर दो। ये स्टूडेंट्स का मामला है सर, उन लोगों ने हड़ताल की तभी इंक्वायरी शुरू हुई थी। अब इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो लोगों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। क्या विजय कुमार, समझ क्यों नहीं रहे हो बात को? इंक्वायरी को खत्म करने की बात सिर्फ तुम्हें और मुझे मालूम है। डेली तुम मीडिया के सामने आकर बोलना कि अभी तक इंक्वायरी चालू है, और तुम भी बहुत अच्छे तरह से काम कर रहे हो, यह मैं मीडिया को बता देता हूँ। कौन सा इंक्वायरी कमीशन अच्छे से चल रहा है, ऐसी कोई हिस्ट्री है क्या? बोलो तुम। जो नहीं चल रहा है उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा। पॉलिटिक्स से इंक्वायरी कमीशन का संबंध क्यों है पता है? कमीशन करके एक शब्द है, इसीलिए समझ जाओ। सर, आपके जैसे कई अवसरवादी पॉलिटिशियंस हैं, और ये विजय कुमार क्या चीज है ये उन्हें भी पता है और पब्लिक को भी। आप चाहें तो ये कह सकते हैं कि जांच अभी चल रही है, लेकिन मैंने इंक्वायरी खत्म कर ली है, ये बात सभी को पता है सर। विजय कुमार, आप कुछ ज्यादा ही गर्म हो। केवल 6 महीने के लिए ऊटी या हिल स्टेशन पर जाकर ठंडे हो जाइए, ठंडा होकर आइए, उसके बाद अपना इंक्वायरी चालू कर लो। सही सोचा है सर, बहुत बढ़िया सोचा। बट सॉरी सर, इंक्वायरी के नाम पर यहां वहां घूमते रहना मुझे अच्छा नहीं लगता सर। चलता हूं सर। मेरी मंत्री पद की बैंड बजा देगा। बोलो रविभूषण। क्या हुआ विजय कुमार? होटल में जाकर फैमिली को किडनैप करना, पेपर में न्यूज चेंज करना, इंक्वायरी छोड़कर आजकल इन्हीं सब में बिजी है तू? मिनिस्टर के फोन के बाद तेरी ऑफिसर गिरी कहां चली गई? hey, मेरा नाम विजय कुमार है। 6 दिन, 148 घंटे और 2500 किलोमीटर घूमने के बाद 76 गवाहों से पूछकर मैंने एक फाइल तैयार की। इतना नादान नहीं हूं कि उसे मिनिस्टर के हाथ में दे दूंगा। मैं वन मैन आर्मी हूं। मेरे घर के सिस्टम से लेकर पेन ड्राइव तक, ऑफिस के हार्ड ड्राइव तक में जहां भी देखेगा तेरी न्यूज ही मिलेगी। बस एक फोन कॉल करने पर मीडिया और पूरे तमिलनाडु के प्रेस में जिस जगह पर बोलूंगा वो न्यूज चलने लगेगी। मीडिया के लिए ये न्यूज किसी लॉटरी से कम नहीं होगी। और पता है ना, अगर मैं ये न्यूज दूंगा तो वो न्यूज स्टेट में किस लेवल तक जाएगी, उसके बाद ऊपर से नहीं, हर जगह से तेरी बैंड बज जाएगी। समझ गया ना? चल फोन रख। मैंने समझा था कि केस के क्लोज होने से विजय कुमार चुप हो जाएगा, पर वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। आज ही खत्म कर दो उसे।